दोस्तों बने रहिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज के साथ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों गदर एक प्रेम कथा को रिलीज हुए 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसका क्रेज देखते ही बनता है। उस समय तो गदर ने कई इतिहास रचे ही थे, लेकिन दोस्तों अब एक बार फिर से ऐसा ही कुछ असर नजर आता है क्योंकि डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इसका सीक्वल अनाउंस कर दिया है। तो दोस्तों वहीं हाल ही में इन्होंने सीक्वल की ब्रॉडर स्टोरी वन लाइनर में निपटा भी दी है और फैंस की उत्सुकता 10 गुना बढ़ा दी है। क्या है ये वन लाइनर सीक्वल कॉन्सेप्ट और कैसे मेकर्स इसे एक्सपैंड करके गदर 2 बना सकते हैं, इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया था कि जब तक उन्हें गदर की तरह ही एक्साइटिंग प्लॉट्स और सब प्लॉट्स नहीं मिल जाते, तब तक वो सीक्वल को हाथ तक नहीं लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इनके ताज़ा बयान से ये लगता है कि इन्होंने सीक्वल के लिए परफेक्ट रेसिपी ढूंढ निकाली है और इसे इन्होंने एक लाइन में बयां कर भी दिया है। दोस्तों सीक्वल में तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार अपनी पत्नी सकीना के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे जीत के लिए। तारा सिंह का बेटा जीत, जिसका अडल्ट वर्जन इस बार भी उत्कर्ष शर्मा ही निभाते दिखेंगे, किसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन के चलते पाकिस्तान में फंस जाएगा और इस बार भी तारा पाकिस्तान के सरहद अपनों के लिए पार करेगा। खैर दोस्तों डायरेक्टर साहब ने तो अभी सीक्वल के लिए महज एक लाइन का कंसेप्ट ही डेवलप किया है, लेकिन हम आपको एक स्टेप एडवांस लेके चलते हैं और अवॉइडेबल सिचुएशंस को गैस करने की कोशिश करते हैं। जीत का पाकिस्तान में फंस जाने का पहला रीजन लव एंगल से जस्टिफाई हो सकता है। शायद जीत अपने प्यार के चक्कर में सरहद पार पहुँच जाए और शायद दोस्तों कुछ कुछ गदर की तरह ही सिचुएशन इतनी संगीन बन जाए कि रेस्क्यू के लिए तारा सिंह को खुद पड़ोसी मुल्क जाना पड़े। लेकिन ये तो गदर से काफी मिलता जुलता प्लॉट ही हो जाएगा। इसके फर्स्ट पार्ट से और भी रिलेटेबल बनाने के लिए पिछले कुछ कनेक्शन भी खंगाले जा सकते हैं। शायद पाकिस्तान की कुछ पुरानी दुश्मनी फिर से जंग उठाए और दोस्तों निशाने पर जीत सिंह आ जाए। यहीं पर तारा का फादरहुड टेस्ट होगा और वो बदला लेने पहुंच जाएगा। या फिर शायद स्टोरी में टेररिस्ट और तालिबान जैसे कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड ज्यादा टाइम तक इनसे दूर कहाँ रह सकता है। अब हो सकता है जीत सिंह ऐसे हॉस्टेज सिचुएशन में फंस जाए जहाँ बात जिंदगी और मौत पर बनाए। यहाँ एक्शन की गुंजाइश भी बढ़ जाएगी और पेट्रियोटिक सिनेमा भी सर चढ़ के बोले। हालांकि दोस्तों टेररिस्ट से सिंगल हैंडेडली लड़ पाना इलॉजिकल और एग्जैजरेशन जरूर लग सकता है, लेकिन दोस्तों यहीं पर अनिल शर्मा जैसे विजनरी डायरेक्टर का रोल बढ़ जाएगा, जिन्होंने इमोशनल आउटबर्स्ट से हैंडपंप सीन जस्टिफाई किया और इसे सुपर हिट भी बनाया। ये स्टोरी में इस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐड करने में माहिर है, जिसे स्टोरी के सेंस नॉनसेंस बनने से बच जाए। प्लॉट को लेकर आपके भी कुछ गेसेस होंगे, दोस्तों उनको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।